नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इंदौर में मातंग ऋषि समाज द्वारा पारंपरिक डिंडी यात्रा निकाली गई। इंदौर में देव शहरी आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर भगवान विट्ठल पंडरीनाथ जी की मातंग ऋषि समाज द्वारा लाहौजी नगर मल्टीओ नया बसेरा से खेड़ापति हनुमान मंदिर गांधीनगर तक महाराष्ट्रीय मराठी समाज की पारंपरिक डिंडी यात्रा निकाली गई, जिसमें पालकी बैंड भजन मंडली के साथ वरिष्ठ मंडली मातृशक्तियों युवा साथियों समाज जन धार्मिक सामाजिक संगठन पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हुई और भगवान विट्ठल जी के भजन पर झूमे और फुगड़ी खेली और ताल बजाई और खेड़ापति हनुमान मंदिर पर भगवान विट्ठल रुक्मणी जी की आरती कर फरियारी प्रसाद वितरण कर समापन किया। और जो 2015 में शेखर नगर को स्थानांतरण किया गया था, जब से यह डिंडी यात्रा बंद हुई थी, इस वर्ष 2024 में समाज के वरिष्ठों युवाओं ने साथ में बैठक कर निर्णय लिया और आज से डिंडी यात्रा प्रारंभ की गई। इस दौरान समाज की संत मंडली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक राकेश राठौर, धर्म जागरण जिला संयोजक विनोद यादव, नगर संघ चालक मदन सिसोदिया, नगर कार्यवाहक दीपक चौहान, समाज के प्रमुख शिवाजी चांदने, सावन बोरले, नामदेव खुपराव, रमेश ताइड़े, संतोष सिंगारे, रितेश खंडेलवाल, लोकेश सेन, विजय बाबुलकर, शुभम पवार, मातंग समाज समन्वयक समिति के अध्यक्ष विजय सोनोने, लहू शक्ति सेन के नगर अध्यक्ष रवि सोनोने, संस्था शिक्षा जागृति के अध्यक्ष दीपक खंडारे, कला पथक सुरेश सोनोने, सुनील चांदने, कैलाश चंदन शिव, राहुल चांदने, कृष्ण वान खड़े सहित समाज बंधु उपस्थित थे। नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश खड़से की रिपोर्ट।